घाची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 सेंचुरी आने का न्योता भेजा है। बता दें कि शैलेश ने बताया कि प्रधान सेवक का प्रकृति, वन और वन जीवों से प्यार जग जाहिर है। प्रधानमंत्री भारत के विभिन्न अनदेखी जगहों पर जाकर उन जगहों को विश्व के पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बना देते हैं। वैसे ही अगर पीएम जवाई सेंचुरी का अगर दौरा करते हैं तो ना सिर्फ जवाई सेंचुरी के पर्यटन में काफी वृद्धि हो जाएगी बल्कि आसपास से जुड़े हुए गाँव और शहरों में रोजगार भी बढ़ जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी टूरिस्ट को लेकर और टूरिज्म को लेकर बहुत फोकस्ड है। भारत की बहुत सी ऐसी अनदेखी जगह है जहां पर प्रधानमंत्री जी ने खुद विजिट किया है और उस जगहों को विश्व को दिखाया है। भारत की संस्कृति है, भारत की धरोहर और भारत की जो प्राचीन चीजें हैं वो प्रधानमंत्री जी के विजिट करने के बाद उस जगहों की डिमांड बढ़ गई है और विश्व से लोग आके उन चीजों को देख रहे हैं। लक्षद्वीप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भारत का एक अनडिस्कवर्ड प्लेस था, इतने टूरिज्म नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद वहां पर टूरिस्टों की बाढ़ आ गई। तो मैं वैसे ही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे जवाई सेंचुरी पधारे, वहां की खूबसूरती को देखे, जवाई बांध का निरीक्षण करें और उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जवाई की खूबसूरती देखने के बाद प्रधानमंत्री जी खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे कि ये एक ऐसा प्लेस है जो ज्यादा लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यहां पर टूरिज्म की एक बहुत बड़ी संख्या में लोग पधारेंगे और यहां के आसपास के गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो मेरा यही चीज को लेकर प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है और मैंने पत्र के माध्यम से उन्हें न्योता दिया है कि वो एक बार पधारे और जवाई बांध की और जवाई सेंचुरी की खूबसूरती को देखे। तो इससे हमारे पाली और सुमेरपुर और पूरे प्रदेशवासी जो वन्य जीवों को लेकर और वन को लेकर बहुत ही ज्यादा इन चीजों को बहुत जागरूक है उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से निवेदन यही है कि वो एक बार पधारे और जवाई सेंचुरी का निरीक्षण करें और वहां पर आकर उनकी खूबसूरती को और जवाई की जितनी भी वन्य जीवों की लाइफ है और हमारे जो राजस्थान के जो